रुद्रपुर देवरिया में जो कांड हुआ है उसको लेकर तमाम नेता लगातार इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एक पोस्ट है सलभ मणि त्रिपाठी जी का, एक और पोस्ट वो लगातार इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं। एक और पोस्ट आया है जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद आप ही तय कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई और हकीकत क्या है। जैसे इस वक्त जो है अपने जाति का नाम लेकर एक दूसरे का समर्थन करना, विरोध करना, ये अगर बंद नहीं होगा तो आप यकीन मानिए इंसानियत हार जाएगी। मैं उस पोस्ट को पढ़ने जा रहा हूँ। सलभ मणि त्रिपाठी लिखते हैं कि देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर का श्री सत्यप्रकाश दुबे जी का परिवार लंबे समय से भूमाफियाओं से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। ये वही भूमाफिया हैं जिन्होंने फतेहपुर में ग्राम समाज की एवं मानस इंटर कॉलेज की भूमि कब्जा कर पूरे मामले को कानूनी दावपेच में फंसा रखा है। ये वही भूमाफिया हैं जिन्होंने कठिनहिया में पेंटालून शोरूम के पास भी जमीन कब्जे की कोशिश की। आर्थिक तौर पर कमजोर सत्यप्रकाश दुबे जी एवं उनका परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए अदालतों से जूझ रहे थे, साथ ही मनबड़ भूमाफिया का मुकाबला भी कर रहे थे। उनके व उनके बच्चों के खिलाफ अभी कभी भी 151 तक का भी मामला नहीं रहा। ऐसे सीधे साधे परिवार के साथ हुई हैवानियत कतई स्वीकार नहीं है। दुबे परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट व नकारा प्रशासन के विरुद्ध भी इंसाफ की जंग लड़ी जाएगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भूमाफियाओं व बेबस लोगों, महिलाओं के कायर हथियारों को हर बात में कठोर सजा दिलवाई जाएगी। यह सलभ मणि त्रिपाठी जी का पोस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा साफ है, मामला जांच का विषय है। और अब आज आप लोग जैसा कि बार बार करते हैं, जब सत्ता से सवाल करो तो आप लोग विपक्ष का पत्रकार साबित कर देते हैं, किसी जिम्मेदार विपक्ष से सवाल कर दो किसी मुद्दे पर तो आप लोग भाजपा ही पत्रकार साबित कर देते हैं। आज इस मामले में आप लोग सीना ठोक के मुझे ब्राह्मणवादी पत्रकार कह सकते हैं। कई बार यादववादी हो जाता हूँ, कई बार ब्राह्मणवादी हो जाता हूँ, कई बार हरजनवादी हो जाता हूँ। समस्या इस बात की है कि जाति को देखकर क्या हम किसी का भी समर्थन कर सकते हैं? क्या कोई क्रिमिनल का समर्थन हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारी जाति का है? क्या विकास दुबे का समर्थन इसलिए होना चाहिए था क्योंकि उसका टाइटल दुबे है, बिकरू कांड वाला? जब तक इस मानसिकता से सर बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक इंसानियत इसी तरह से हारती रहेगी जैसे यहाँ पे हारी है। और सब लोग कैमरा लेके आइए, और सब लोग इसी बात के इंतजार में रहते हैं। इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा वो लोग उठाएंगे जो लोग जातियों के नाम पर हमें और आपको लगातार बांट रहे हैं। अब इस मामले में ही कई सारे अपने अपने जाति के नेता उभर कर सामने आएंगे और इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। होनी भी चाहिए, इसलिए नहीं हो, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यही हमारा और हमारे देश के राजनीति का आधार बन चुका है। इसका फायदा किसको हो रहा है, इस बारे में हम और आप जब तक नहीं सोचेंगे, और मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, जब तक चुनावी एजेंडे ये नेता तय करेंगे तब तक यही होगा। जब तक चुनावी एजेंडे जनता तय नहीं करेगी, ये नहीं रुकने वाला है। इसी तरह से हम और आप परेशान होते रहेंगे। मामला सिर्फ इस हत्याकांड को लेकर नहीं है, मामला इस बात का भी है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही कितनी है। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ सर, क्योंकि समस्या के जड़ में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समस्या का जड़ क्या है? समस्या का जड़ है प्रशासनिक लापरवाही, जिसे बार बार कई सारे नेताओं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इंगित करवाया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही। और उसको जब तक आप लोग उसमें अगर आप लोग अंदर तक नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सर। ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज रुद्रपुर देवरिया में हो रहा है, कल सुल्तानपुर में हुआ था, हो सकता है कल कहीं और हो, परसों कहीं और हो, ये होता रहेगा। जय हिंद।